बुआ गलत नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में आज भी अगर उस डूंडा ने प्रहलाद को जला दिया होता तो कोई होली की पूजन भी नहीं करता। करता? आज भी हिंदू धर्म में होली की पूजन दो बार होती है, एक होली जलने से पहले, एक होली जल जाती है उसके बाद। होली जलने से पहले होती है बुआ की पूजन, क्योंकि तूने बहुत अच्छा काम करा जो अपने भतीजे को बचा लिया, और होली जलने के बाद होती है प्रहलाद की पूजा। होती कि नहीं होती होली? और होली क्यों कहा तुमने? होली का कारण क्या? होली नाम कैसे पड़ा? उसका कारण है ये राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली इसलिए हमारे यहां मनाई होली। पर मंगरूल नाथ वाले तुमने उनकी बहन का नाम धर दिया हो, बड़ा गजब कर। क्या नाम था? डूंडा। होली का ना? होली। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर मेरा कैलाशी मेरा अविनाशी मेरा शिव है। इस मृत्यु लोक का पर दुनिया के लोग ना जाने क्यों कहें हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं शमशान में रहता हूँ। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे भक्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तब निपट लूंगा। उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया, ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा गीली कि 3 दिन ठंडा नहीं होने वाला। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, होली का शुभ दिन, रंगों का त्योहार आने वाला है, और आपको पता ही है होली के एक दिन पहले होलिका दहन का दिन माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का दिन मनाया जाता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च सुबह 9:55 से आरंभ होगी, अर्थात होलिका दहन 24 मार्च को होगा, साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि भी 24 मार्च को पड़ रही है, और इस पूर्णिमा तिथि का समापन 25 मार्च दोपहर 12:30 तक रहेगा। 24 मार्च रविवार को होलिका दहन के दिन भद्रा काल भी पड़ रहा है, जिसे भद्रा का साया भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं की जाती है, शुभ कार्य भी वर्जित होते हैं। 24 मार्च को सुबह से भद्रा काल लग जाएगा। भद्रकाल का समय सुबह 24 मार्च को 9:54 से भद्रा आरंभ हो रही है, और इसका समापन रात्रि 11:13 तक रहेगा, अर्थात इसके बीच आप होलिका दहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूजा पाठ वर्जित होता है। भद्रा की समाप्ति के बाद ही आपको होलिका दहन करना है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च को रात्रि 11:54 से 12:20 तक रहेगा। इसी समय आपको होलिका दहन करना है। होलिका दहन करने से यही समय शुभ माना गया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी समझ आ गई होगी। यदि कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।